मैं भी कह रहा हूँ, और मैं 1000 ऐसे आदमी से मिलवा दूंगा जज साहब को, जो खाना खाने गए उनको मुसलमान का होटल बहुत गंदा लगा और हिंदू का होटल बहुत अच्छा लगा। अगर इस पर फैसला होगा तो कानून की किताबें फाड़ के फेंक दो, क्यों बना ये संविधान फाड़ के फेंक दो, कह दो कि हमको जो अच्छा लगेगा हम करेंगे। जैसे ये इस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट में कि मैं इन्होंने मुसलमान क्या खाया था, इनको मुसलमान क्या बड़ा साफ सुथरा लगा, मुझको मुसलमान क्या बहुत गंदा मिला। और आज जितने हिंदू विरोधी मुकदमे होते हैं वो या तो कपिल सिब्बल पहुंचता है या अभिषेक मनु सिंह भी पहुंचता है, हिंदुस्तान में कोई तीसरा वकील ही नहीं है इनके पास। जितना हिंदू विरोधी एंगल है ये उनका धंधा है। और इन तीनों को आप लोगों के लिए अब आता हूं मनीष जी आज के फैसले पे कि ये मेरे ख्याल अभी मैं 4-5 गिनाऊंगा और बाकी तो लंबी बड़ी लिस्ट है। ये 5वां 6वां मनीष जी फैसला ऐसा है जिसमें ये तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला होगा उसमें हिंदू धर्म सनातन धर्म उसकी आस्थाएं उसकी श्रद्धाएं उसकी परंपराएं उसकी मान्यताएं उसकी भावनाएं उनका कोई स्थान नहीं है, उनको उठाकर कूड़े की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। ये जरा दर्शक समझे, ये पहला फैसला इकलौता फैसला नहीं है। हिंदू धर्म की जो आस्था है जो श्रद्धा है जो भावनाएं हैं जो परंपराएं हैं उनको जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो उसमें उनका कोई स्थान नहीं होगा, उनको उठाकर कूड़े की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। ये 100 करोड़ हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि इस देश का जिस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं वहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस तरह से आते हैं। बताता हूं क्यों। मनीष जी, राम मंदिर का मुकदमा पहुंचा 2010 में और जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर नहीं आ गए 2015 तक सुप्रीम कोर्ट को फुर्सत नहीं मिली कि जरा उसकी फाइल तो पलट के देख लें। यानी 5 साल तक वो राम मंदिर के मुकदमे की फाइल धूल खाती रही, उसको पलट के नहीं देखा गया। जब प्रधानमंत्री मोदी आए सरकार ने जोर लगाया तब उसकी सुनवाई शुरू हुई। क्यों नहीं हो रही थी वो तो फैसला आने के बाद आपकी समझ में आ गया होगा कि इसलिए नहीं हो रही थी कि सुनवाई करते तो फैसला सुनाना पड़ता, हजारों लाखों सबूत चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि वहां बावड़ी मस्जिद तोड़ के मंदिर बना, तो इसलिए वो 5 साल तक फुर्सत नहीं मिली, दुनिया भर के मुकदमे सुने गए नहीं मिली। अब जरा उल्टा देखिए कि मनीष जी, वो जहांगीरपुरी में भगवान राम की बारात पर गुंडों ने पत्थर चलाए और दूसरे दिन जब वो अतिक्रमण तोड़ने गए तो 9:30 बजे नगर निगम पहुंचती है, 10 बजे उनका उन दंगाइयों का पत्थरबाजों का वकील वहां पहुंच जाता है 10 बजे और 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा देता है। इतनी जल्दी उसने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि अवैध है कैसा है क्या तोड़ कर, नहीं पहले इसको रोको। और अब जरा उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने आज तक ये नहीं बताया कि क्या वो अवैध अतिक्रमण हटा या उस अवैध अतिक्रमण को वैध का सर्टिफिकेट जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके आगे क्या हुआ या कोई देश नहीं जानता, पूरे देश में किसी को नहीं मालूम। मगर वो जो पत्थरबाज थे जो भगवान राम के बारात पे गुम्बे चलाने वाले थे उनको राहत देने में आधा घंटा लगा मनीष जी, आधा घंटा दूसरे की सुनी भी नहीं, बस उनका वकील पहुंचा कहने ये तुरंत डिमोलिशन रोको और वो अवैध अतिक्रमण। जहांगीरपुरी का दर्शकों को जरा टैग करके पूछिएगा कि उसका हुआ क्या, वो जो सड़क और वो भी मनीष जी उसके लिए कोई कागज पत्र की जरूरत नहीं, वो सड़क घेर कर यानी जो 4 लेन सड़क है वो सिंगल लेन हो गई थी। इस तरह से वह कबाड़ी, वो मुसलमान कबाड़ी मुसलमान अवैध अतिक्रमण करता वो काबिज थे, उन्होंने ही पत्थर चलाए थे तो उनको तत्काल राहत आधे घंटे में मिल गई, लेकिन राम मंदिर के लिए समय इनको नहीं मिला था। अभी एक और बिल्कुल ताजा बताऊंगा कि हिंदुओं की कैसी उपेक्षा की जाती है, ये इस फैसले से बहुत साफ है कि लेकिन आज जब वो पहुंचे योगी आदित्यनाथ की सरकार के आदेश के खिलाफ कि या साहब ये आदेश हटा दिया जाए, तो ना तो वहां योगी सरकार का कोई मंत्री था ना केंद्र सरकार का कोई मंत्री था, कोई हिंदुओं के पक्ष से कोई नहीं था, वो मुसलमान पक्ष से ये 3 पहुंचे और वो कांग्रेसी वकील पहुंचा, ये कांग्रेसी दलाल पहुंचे तीनों अपूर्वानंद बलाने ढिमाके। और सुप्रीम कोर्ट इतनी जल्दी में था कि उसने ये भी नहीं कहा कि चलो हम कल बुलाते हैं और जरा सरकार से भी पूछते हैं कि लगा क्यों, या मैं हिंदुओं के पक्ष से लोगों को बुलाता हूं कि आखिर इस कानून की जरूरत क्यों है तुमको, ये पूछने की जरूरत नहीं समझी। जज साहब ने उठाया देखे फैसला दे दिया कि तुरंत ये आदेश रद्द करो। इतनी जल्दी क्या थी, इसमें कौन सी आफत आई जा रही थी, आग लगी जा रही थी, ज्वालामुखी आया जा रहा था कि सुनामी आई जा रही थी कि ऐसी आग लगी कि तुरंत कर दो, यानी दूसरे पक्ष को सुने बिना एक उत्तर प्रदेश की जो 24 करोड़ की जनता की सरकार और जो 2/3 बहुमत से जीत कराई है, प्रचंड बहुमत से जीत कराई है, वो एक आदेश देती है उसको सुने बिना, तो फिर इसका मतलब मनीष जी इस देश में सरकारों द्वारा बनाए गए कानून ये फाड़ कर फेंक देने चाहिए। ये होगा भैया वो तो सुप्रीम कोर्ट जो कह देगा वही होगा, न खाता न बही, जो सुप्रीम कोर्ट कहे वही सही। तो ये 24 घंटे का समय क्यों नहीं दिया, ये कहते हैं कि ठीक है तुम्हारी याचिका है कल बुलाते हैं यूपी सरकार को, जैसे अब नोटिस दिया है वो भी 3 दिन बाद का, तत्काल क्यों नहीं दिया कि आज तो पहुंचे, कहते मंगल को बुलाते, आता यूपी सरकार का वकील आता केंद्र सरकार का वकील आता
तो ये जरा इससे समझिए इनकी भावना। अभी तो मनीष जी बहुत चीजें इसमें बाकी हैं। दूसरे उधर जज साहब ने फैसला सुनाया, वो तो गजब सुनाया। वो जो 396 लोगों ने बैठ कर संविधान बनाया था, उनको उनको ठेंगे पे रखा। जिन लोगों ने कानून की मोटी मोटी किताबें लिखी हैं उनको ठेंगे पे रखा, और जिन्होंने इस देश का कानून बनाया है उनको ठेंगे पे रखा। उन्होंने फैसला सुना कि मैं गया था एक होटल में, मुझको हिंदू मुझको मुसलमान का होटल ज्यादा साफ लगा और मैंने क्योंकि खा लिया। इस बात को उन्होंने ये तर्क दे के उन्होंने फैसला सुना दिया। मनीष जी तमाशा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये तमाशा हो रहा है कि मतलब जैसे आपने नूपुर शर्मा वाली बात की कि उन्होंने और कोई उन्होंने वैधानिक तर्क नहीं दिया, कोई कानून की बात नहीं की, कोई संविधान की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं तो गया था खाने, मुझे हिंदू का होटल गंदा लगा, मुसलमान का होटल अच्छा लगा, साफ लगा, तो मैंने खा लिया। तो ये उदाहरण देके उन्होंने वो यूपी सरकार का फैसला पलट दिया जिसकी चर्चा हो रही है। मैं भी कह रहा हूँ, और मैं 1000 ऐसे आदमी से मिलवा दूंगा जज साहब को जो खाना खाने गए उनको मुसलमान का होटल बहुत गंदा लगा और हिंदू का होटल बहुत अच्छा लगा। तो वो 1000 आदमी की मानोगे कि जज साहब को क्या अच्छा लगा, इस पर फैसला होगा? अगर इस पर फैसला होगा तो कानून की किताबें फाड़ के फेंक दो, क्यों बना ये संविधान फाड़ के फेंक दो, कह दो कि हमको जो अच्छा लगेगा हम करेंगे। जैसे नूपुर शर्मा वाले मामले में हुआ था कि ना कोई आरोप पत्र, ना कोई आरोप, ना कोई सामने आरोप लगाने वाला, उन्होंने पूरा प्रवचन दे डाला था। उनके उस प्रवचन का नतीजा ये हुआ था कि उस वो महिला आज भी अपने जान बचाते घूम रही, उसके पीछे हत्यारे पड़े, उसकी माफी मांगने नहीं आई कभी। तो ये इस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट में कि इन्होंने मुसलमान क्या खाया था, इनको मुसलमान क्या बड़ा साफ सुथरा लगा, मुझको मुसलमान क्या बहुत गंदा मिला। और मैं लखनऊ में उससे ज्यादा नहीं रहता हूँ, दिल्ली में, और मैं लखनऊ में दिलाता हूँ तुमको कम से कम 100 मुसलमानों के होटल ऐसे कि घुसना नहीं पसंद करोगे जज साहब। तो तुमको एक मुसलमान का साफ होटल मिल गया तो जितने शिव भक्त है, जितने गंगा जल लेके भगवान शंकर के दर्शन करने जा रहे हैं, उन सबको तुम मुसलमान क्या खिलवाओगे? या तो तुम आदेश करो कि जो शंकर भगवान का दर्शन करने जाएगा वो मुसलमान के यहाँ ही खा के जाएगा। हिम्मत है तो करो ये आदेश। ये उलूल जुलूल मतलब। और मनीष जी हलाल तो इन्होंने कभी नहीं पूछा, कहते थे कि नहीं जो झटका काटता है वो भी बड़ा साफ सुथरा काटता है, बड़ा बढ़िया काटता है, बहुत लोग खाते हैं, ज्यादा लोग खाते हैं, तो तुमको हलाल से क्या परेशानी है, झटके से क्या परेशानी है? कभी उन पर ज्ञान नहीं देते हो, उस पर तुरंत शरणागत कि नहीं नहीं भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हिंदू धर्म में आज से नहीं 1400 साल से जब ये मुसलमान गुंडे, ये मुसलमान डकैत, ये मुसलमान लुटेरे बाबर अकबर औरंगजेब जिन्होंने लाखों लोगों को मारा, हजारों महिलाओं की बलात्कार किया और करोड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, उनसे घृणा है, उनसे धार्मिक दूरी रखी जाती है, उनको अपने पूजा पाठ में हिंदू शामिल नहीं करते, तो क्या जज साहब जबरदस्ती करवाएंगे? जज साहब एक आदेश जारी करें कि वेटिकन सिटी में हिंदू भी जाएंगे, सरदार भी जाएंगे, जैन भी जाएंगे, बुद्ध भी जाएंगे, या मक्का में भी जाएंगे, क्यों नहीं करते हो? केवल हिंदू धर्म में, केवल हिंदू धर्म पर लठ चलाने के लिए पूरी खुली छूट है, चाहे जैसा लठ चलाओ। तुमने मतलब मरीज बिना सुने, ये इसको कहते हैं अंधेर नगरी, कि आपने दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं। तो ये कौन सी सेटिंग है, कौन सी दोस्ती है, कौन सा बचपने का याराना है? ये बिल्कुल देश के सामने आना चाहिए। सुक्कर को काहे बुलाया? सुक्कर को भी नहीं बुलाया, कहता हमने तो खा लिया होटल, मुझको मुसलमान का होटल बहुत अच्छा लगा, और सारे हिंदुओं को मुसलमान क्या खाना चाहिए, यही फैसला सुना देते। ये डोंग पाखंड करने क्या जरूरत है कि सुक्कर को तुम्हारे सुनेंगे? सुक्कर को काहे सुनोगे? बिल्कुल, ये सबसे लगता है कि इस एक टिप्पणी ने ये एक तरह से नैरेटिव दे दिया कि क्या सही में सुप्रीम कोर्ट में जज साहब पहले से प्रीजुडिस थे। इसी को प्रीजुडिस कहते हैं ना, आपने पहले से तय कर लिया कि गंदा कौन रहता है, और ये इस देश उस देश में हो रहा है सनातन आस्था। देखिए ना, इस मामले में कोई वकील, ये तीनों जो याचिका करता है उसका उस मजहब से कोई लेना देना नहीं। अभिषेक मनीष जी, मनीष जी, इस मुकदमे के संदर्भ में, इस सुनवाई के संदर्भ में इस तरह का उदाहरण देने का मतलब जज साहब ये कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा में जो हिंदू होटल है वो गंदे हैं और मुसलमानों के होटल साफ हैं। ये बता रहे हैं कि जो शिव भक्त है वो गंगा जल लेके मुसलमान के यहाँ भोजन करे, मुसलमान के यहाँ हाथ पांव धोए, उसके बाद वो जाए शिव जी के यहाँ। तो ये मतलब क्या कहूं मैं। और निश्चित तौर तो तय सी बात है कि सोचिए एक एक केस के लिए वकीलों को कितने पैसे लगते हैं। तो कई बार लगता है इस देश को जानना चाहिए कि क्या सिर्फ वकीलों के फीस को, ऐसे महंगे वकीलों के फीस को जस्टिफाई करने के लिए इस तरह के फैसले थे कि चौंकाने वाला। चूंकि जजमेंट जो आया है मैं पढ़ के सुनाऊं, जो हमारे साथी ने मुझे कांवड़ियों के शाकाहारी भोजन मिले,
हाइजेनिक स्टैंडर्ड भी कायम रहे, अथॉरिटी से सुनिश्चित कर सकती है। अब ये कौन करने जाएगा? ये ज्ञान तो ये दे लेते हैं कि कांवरियों को हाइजेनिक भोजन मिले, हाइजीन स्टैंडर्ड भोजन कायम रहे, अथॉरिटी ये सुनिश्चित कर सकती है। इसको लेखक सक्षम अथॉरिटी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एवं स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत आदेश भी जारी कर सकती है। लेकिन इसको लेकर जो सक्षम अथॉरिटी के पास जो पावर है, उस अधिकार को बिना किसी कानूनी आधार के पुलिस नहीं हथिया सकती है। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में, मिलॉर्ड करेंगे? आगे लिखते हैं वो जज साहब, हम सभी नेम प्लेट को लेकर जारी निर्देशों पर रोक लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि खाने पीने का सामान बेचने वाले ढाबों, रेस्टोरेंट, फल सब्जी विक्रेता, फेरी वाला, ये तो नहीं बता सकते कि वो कांवड़ियों को किस प्रकार का किस प्रकार शाकाहारी या नहीं परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें दुकान मालिकों या उसके यहाँ काम करने वालों के नाम पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। नहीं मनीष जी, जरा याद दिला दूं, ये जो फैसला आया है ये कांग्रेसी राजनीति के हिसाब से आया है, कांग्रेस को सूट करने वाला आया है, कांग्रेस की राजनीति को लाभ पहुंचाने वाला एक तरफा फैसला, बिना सुने सुनाया गया जो फैसला है। इसका एक और कारण समझिए कि इस देश में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जिसने ना सोचा ना समझा, उसने उठाया कानून उठा के फाड़ के फेंक दिया, तो वैसे ही आज ये भी फैसला आ गया कि ये मनीष जी ये जो सवाल जवाब हुए, तो अब शुक्र को क्या जवाब होगा, तो यूपी सरकार को तय करनी है। ये कोई मनमाना फैसला नहीं था, ये 2006 में कांग्रेस ने ही बनाया था, 2011 में इसका नोटिफिकेशन हुआ था। तो यानी इस देश की संसद द्वारा इस देश के कानून जो बनाए जाएंगे, जो सरकारें बनाएंगी, उसको ये नहीं मानेंगे, तो ये क्या मानेंगे? ये बताते कि ये संविधान के तहत बनाए गए कानूनों को नहीं मानेंगे, तो ये मानेंगे क्या? ये जज साहब को मुसलमान का होटल बहुत बढ़िया लगा, ये कानून है इस देश का, इनको बहुत अच्छा लगा मुसलमान का होटल साफ सुथरा, तो पूरे देश का हिंदू मुसलमान क्या खाएगा? ये इन्होंने बकायदे जात बता के, धर्म बता के मनीष जी कोर्ट किया है कोर्ट के अंदर। तो ये क्या कहना चाहते हैं, मतलब इस देश के हिंदू हिंदुओं की दुकानों पर जाना छोड़ दें, हिंदुओं के होटल पर जाना छोड़ दें, क्योंकि मुसलमानों के होटल ज्यादा साफ होते हैं, ये संदेश दे रहे हैं ये? बिल्कुल, ये टिप्पणी, ये दूसरा पाकिस्तान बनाने की तैयारी है कि हिंदू जो मुसलमान का होटल में जाए। और बिल्कुल ये बात वो जजमेंट में नहीं लिख रहे हैं, ये कायदे से लिख रहे हैं, जजमेंट में लिख देते तो ये ज्ञान दे से, जैसे नुपुर शर्मा के मामले में ज्ञान दे दिए कि ये कांग्रेस को नैरेटिव बनाने के लिए, समाजवादी पार्टी को नैरेटिव बनाने के लिए, मोदी विरोधियों को, योगी विरोधियों को नैरेटिव बनाने के लिए, एजेंडा थमाने के लिए ये टिप्पणी है। अन्यथा इस टिप्पणी का कोई औचित्य है इस मुकदमे में? बात हो रही है मेरठ की, लाखों करोड़ों कावड़ियों की और हजारों होटलों की, वहां बता रहे मुझको तो होटल बहुत बढ़िया लगा मुसलमान का, इसलिए मैं तो इसको करता हूँ, लागू करता हूँ। तो ये फिर इनके पसंद, यानी देश का कानून गया चूल्हे में, देश का संविधान गया चूल्हे में, जिस पक्ष ने आदेश दिया वो गया चूल्हे में, जज साहब को क्या अच्छा लगा तो उन्होंने उठा के फैसला दे डाला, क्यों रोक? और वैसे बता दूं मनीष जी, औकात पता चल रही है। अब बताता हूँ जज साहब को कि औकात कैसे पता चलती है, कि क्या होता है शासक और क्या होता है तुम्हारा फैसला। एक भी आदमी ने अपना बोर्ड नहीं उतारा है, वो कह रहा है कि हमने लगा दिया तो लगा दिया, क्योंकि उसको मालूम है, उसको मालूम है ये तो योगी आदित्यनाथ जरा सराफत से पेश आ रहे हैं, मायावती की तरह पेश नहीं आ रहे, मायावती ने कहा था घुसो नहीं मानेंगे। और मनीष जी आपको तो मैंने दिखाया था, मतलब 1.5-2 साल सुप्रीम कोर्ट लगातार स्टे, ये कर दो वो कर दो मायावती ने, और ऐसा नहीं चोरी छुपे, दिन और रात 24 घंटे वो काशीराम स्मारक बना है, और यहाँ 3 किलोमीटर लंबा बना बुद्ध स्मारक स्थल, आके देख लेना, तुम्हारा लगातार स्टे लगा रहा था, मायावती ने कह दिया था जाओ नहीं मानेंगे, क्या कर लिया था मायावती ने, क्या कर लिया था मायावती का, वो तो हजारों करोड़ की पूरा स्मारक खड़ा है, क्या कर लिया था मायावती का, और अब वो जो वहां नहीं उठा रहा था, क्या कर लोगे उनका? ये अपना मान सम्मान अपने हाथ में होता है, मैं तो कई बार बता चुका हूँ, मैं मायावती का फैन हूँ, मैं मायावती का फैन, क्योंकि मनीष जी वो जो स्टे लेने जाते थे वो सब कांग्रेस ही घूर गए, अन्यथा आम जनता बड़ी खुश थे कि बढ़िया पार्क बन रहा है, एक अच्छा स्थान बन रहा है, यहाँ कूड़े का ढेर लगा रहता है, गाय भैंस घूमा करती है, सुअर घूमा करते हैं, तो वहां पे जो मायावती ने सौंदर्यीकरण किया आज भी लाखों लोग उसको याद करते हैं, तो उसमें स्टे, तो मायावती कहते तुम देते रहो स्टे, हमारा काम नहीं रुकेगा, और 24 घंटे और लखनऊ की VVIP सड़क पर रात दिन बल्ब लगा के काम होता था, क्या कर लिया तुमने? बिल्कुल नहीं यार, ये योगी ने भी दिखाया कि जो आपको याद है शाहीन साजिश के समय में जो
पोस्टर टांगे थे योगी ने कुछ शहरी नक्सलियों के सुप्रीम कोर्ट ने हटाओ कहा, योगी ने नहीं हटाया। नहीं आज अगर योगी आदित्यनाथ कहते कि मैं ये तो लगाना पड़ेगा तुमको, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? जब जैसे तुमको बड़ा अच्छा लगा कि हमने मुसलमान के होटल में खाया तो सबको खाना चाहिए, वैसे योगी को भी अच्छा लग रहा है कि लगे 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 रहे प्लेट। और योगी कोई कोई बाप दादों की वजह से नहीं आए हैं, योगी कोई सेटिंग की वजह से नहीं आए हैं, योगी इस देश के 24 करोड़ लोगों के वोट लेके आए हैं, 24 करोड़ लोगों का मत लेके आए हैं, 24 करोड़ लोगों का समर्थन उनके साथ है, और 100 करोड़ हिंदुओं के नेता हैं योगी आदित्यनाथ। तुम क्या हो? नहीं बिल्कुल, और यदि योगी आदित्यनाथ कह दे कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर का मामला इस देश की कोई अदालत कुछ नहीं कर सकती, कि लॉ एंड ऑर्डर मेरा खराब हो जाएगा, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं दे सकते, तो इस ऑर्डर की क्या होगी? लेकिन सवाल ये कि एक टिप्पणी ने ये सवाल उठा दिया है, लेकिन इस टिप्पणी को उन्होंने अपने जजमेंट में नहीं लिखा है, ये मैं बार बार चुकी। और वो तो कांग्रेस को एजेंडा देना था, कांग्रेस लेके चली उसको, कांग्रेस कांग्रेस के दलाल कांग्रेस के भड़ुए बाढ़ जितने थे वो सब जुट गए कि देखो ये कहा ये कहा ये कहा, तो उनको उसमें लिखे तो जरा, जैसे नूपुर शर्मा के लिए जितना ज्ञान पेला था वो आदेश में नहीं लिखा, लेकिन ज्ञान पेल के एजेंडा चला दिया, जिहादी लेके गर्दन काटने निकल पड़े पूरे देश के अंदर, उससे इनकी कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल, और देखिए यही चीज ये है कि आपको याद होगा नूह में पिछले साल, और जवाबदेही जिम्मेदारी कहा नहीं, जरा मनीष जी खबरें दिखा दी मैंने आज डाली है कि क्या साथ है क्या धाक है क्या कमाल हो रहा है और क्या लोगों में छवि बनी हुई है, जरा वो भी दिखा दीजिए खबरें, जरा दिखा दीजिए, केवल कटिंग दिखा दीजिए, मैंने कटिंग डाली है क्योंकि बहुत है, ये तो मैंने 15-16 डाली है, दर्शक जरा देख लेगी क्या साथ है क्या धाक है, उसके बाद ये अहंकार इनके इनके कर्म एक पोस्ट भी दिखाया है कि आज से शुरू हुए दंगाएं उत्तर प्रदेश में, कांवरियों के साथ मारपीट, सभी आरोपी मुस्लिम, जो कांवरियों के साथ, अब ये चीजें उत्तर प्रदेश में ये लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसको होगी, ये किसकी होगी? अभी बता, ये तो मनीष जी आखिरी चरण में आता हूँ, जरा वो भी दिखा दीजिएगी जो खबरें है, हम लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ ये एक ये एक नीचे डाला, दो डाले जरा दिखा, खाली फोटो दिखा दीजिए बस, वो तो मैंने घूस लेने के आरोप में महिला जज गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत 2016 का, महाराष्ट्र पुणे में रिश्वत लेने के आरोप में जज गिरफ्तार, आरोपियों की मदद कर रहे थे सीबीआई जज, ईडी ने किया गिरफ्तार, सीबीआई ने 30,000 के जज को वकील से रिश्वत लेते हुए पकड़ा, 94 लाख रुपए जब्त, बाप रे रिश्वत लेते महिला जज गिरफ्तार। अब दूसरी तरफ भी आ जाइए, अब कितने तो लाइन लगी हुई है, कहां सीबीआई ने रिश्वत मामले में न्यायाधीश को गिरफ्तार किया, रिश्वत लेने के मामले में महिला जज की गिरफ्तारी, पूर्व जमानत अर्जी खारिज, रिश्वत लेते पकड़ाए जज को बर्खास्त, अधिसूचना जारी, भ्रष्टाचार के आरोपी निलंबित सीबीआई जज सुधीर परमार को लेकर खुलासा, मांगी हिरासत। ये तो मनीष जी घूसखोरी की है, जरा नीचे वाले और जरा पढ़वा दीजिए नीचे वाला एक, मैंने और डाली खबरों का, आपने लिखा है निष्पक्ष तरीकी भारत तरीकी निष्पक्ष ईमानदार और सचरित्र न्यायपालिका पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, विश्वास ना हो तो गर्मा गर्म खबरों की हेडलाइन देख लीजिए। अब जरा हेडलाइन कितने चीजों का कितना दिखाया जाता, देखिए इतना रिसर्च करके आपने निकाला है, यूपी यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली महिला जज को मिली जान से मारने की धमकी, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला, सीलबंद 5 करोड़ मांगा था ऐसा, एमपी में हाई कोर्ट के जज को यौन शोषण के आरोप में लगाकर महिला जज ने दिया, महिला जज सीनियर ने सीनियर पर लगाया यौन उत्पीड़न का मामला, हाई कोर्ट जज ने कहा मुझ पर यौन शोषण के आरोप सच हो तो फांसी दे दो, ये फेहरिस्त है लंबी कितनी बड़ी, दुष्कर्म पीड़िता ने जज पर लगाया यौन शोषण का आरोप, हाई कोर्ट जज पर यौन उत्पीड़न को आरोपों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर इस्तीफा देने वाली जज फिर से होगी बहाल, हाई कोर्ट जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला जज होगी बहाल, झूठे यौन उत्पीड़न के सभी आरोप, यूपी की महिला जज ने सीजीआई से मांगी इच्छा मृत्यु, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला सीलबंद, महिला जज के यौन शोषण के आरोप पर सीजीआई ने मांगी रिपोर्ट,
यूरोप की यूपी की महिला जिसने सहकर्मी पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, पीजीआई से मांगी सुरक्षा, ये हाल है। और ज्ञान बांट रहे हैं पूरे देश में, इनको जो अच्छा लगे वही पूरा देश मान ले, कानून और संविधान सब किनारे। बिल्कुल, ये अपने आप में ये सिर्फ हम लोगों को इसीलिए दिखाने के लिए था कि आपको भी अपने दामन देखने चाहिए। सवाल ये कि ये टिप्पणी बहुत पिंच करने वाली है, जो कहा कि केरल के एक दो होटल में जज साहब गए थे। सवाल एक और चीज है, इन्हें कैसे पता चला, माइलॉर्ड को कैसे पता चला कि हिंदू होटल है या मुस्लिम होटल है, नाम होगा तभी तो पता चला होगा इन्हें। मैं मनीष जी, सुप्रीम कोर्ट का जज बैठ के सांप्रदायिक विभाजन कर रहा है, यहाँ ज्ञान दे रहा है कि नाम लिखो, और वहां बता रहा है कि हिंदू का होटल गंदा था और मुसलमान का होटल साफ था। जरा ये कितनी सांप्रदायिकता मन में भरी है, कांग्रेस की एजेंडा भरा है, मुस्लिम लीग का एजेंडा भरा है कि मुसलमान को अच्छा बताओ और हिंदू को खराब बताओ। ये है उस टिप्पणी का पूरा सार। क्या ये टिप्पणी उल्टा वो कर सकते थे, इतनी हैसियत थी इसी टिप्पणी को उल्टा वो कर सकते नहीं, मैं तो मैं तो कर रहा हूँ। आओ लखनऊ में मैं तुमको 100 होटल ऐसे दिलाऊंगा जहाँ घुसना नहीं पसंद करोगे मुसलमानों के, बाहर से बदबू आती है और ये पूरा शहर जानता है लखनऊ। तो किसको बेवकूफ बना रहे हो?